अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जो ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है आज कॉफ़ी की रेसिपी के साथ, दो आई हैव शेयर्ड सो मेनी टाइम्स बट स्टिल आई गेट मैसेजेस, तो मैंने कहा आज जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आपसे शेयर कर देती हूँ। तो जी मैं ये यूज़ कर रही हूँ कॉफ़ी जो कि है गोल्ड, आप कोई भी ले लें इंस्टेंट कॉफ़ी। और साथ में जी ये इसका मुँह छोटा है और मेरे पास जो चम्मच है वो बड़ा है, तो मैं 1 टीस्पून डालूँगी, हाफ़ पहले और हाफ बाद में, तो तकरीबन ये 1 टीस्पून के करीब बन जाएगी। 1 टीस्पून इज़ गुड इनफ फॉर अ बिग मग और ग्लास, लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी इनफ होती है। आप इसमें रेगुलर शुगर यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ कर रही हूँ स्टिविया, इसका एक ये सैशे में इसमें डाल दूँगी। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी, अबाउट 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, वो डालकर जी हम इसको करेंगे मिक्स। और बस फिर ये जो है हमारा जो एक शॉट है वो रेडी हो जाएगा। आप इसको स्पून से भी कर सकते हैं, मेरे पास ये बीटर है, फ्रोदर है, तो उसकी हेल्प से मैं इसको फ्रोद कर लूँगी। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा ये कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी ये साइज़ में और क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर ये अच्छी लगेगी। तो बस जी अभी मैं इसको अच्छे से फ्रोद करती हूँ, जैसे फ्रोद हो जाएगी आइस क्यूब्स डालेंगे, दूध डालेंगे और हमारी मज़ेदार सी आइस्ड कॉफ़ी हो जाएगी रेडी। इट्स वेरी इजी टू मेक, बस आप कॉफ़ी को जितना अच्छे से बीट करोगे, फ्रोद करोगे, उतनी ही अच्छी ये बनेगी, उतना ही अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं ब्लेंडर के अंदर कॉफ़ी, चीनी, पानी डालकर मिक्स कर लेती हूँ और उससे उसका थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है, लेकिन वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि साइज़ में डबल ट्रिपल हो गई है। अब आइस क्यूब्स डालेंगे, दूध डालेंगे और इन्जॉय करेंगे आइस्ड कॉफ़ी। तो जी आज मैं बना रही हूँ तुरई की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस ये मैंने तकरीबन 1/2 kg के करीब मंगवाई थी तुरई, तो वो आज बनेगी। थोड़ा सा छिलका निकल जाता है तो अबाउट आई थिंक 350 ग्राम के करीब ये बच जाती है। और ये जो टमाटर जो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, इसको मैं यूज़ करूँगी आज की सब्ज़ी बनाने में। तो सब्ज़ी आई थिंक बनाना सबसे इजी काम होता है, लेकिन अगर इसमें अगर आपके इंग्रेडिएंट्स का रेशो बहुत ही हिसाब से रहेगा तो ये बहुत टेस्टफुल हो जाएगी। लाइक प्याज नॉर्मल क्वांटिटी में जाना चाहिए, अदरक लहसुन बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करना चाहिए, टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं डालने चाहिए, अदरवाइज़ सारी चीज़ें इतनी इम्पावर कर जाती हैं सब्ज़ी को कि सब्ज़ी का अपना टेस्ट नहीं आ पाता। तो आप जब भी सब्ज़ी बनाएं उसी हिसाब से डालें, कुछ में अदरक लहसुन नहीं जाता, कुछ में प्याज कम जाता है, कुछ में ज़्यादा जाता है। तो बस यही एक रूल है जो मैं भी फॉलो करती हूँ, एंड आई ऑलवेज हैव बीन सीइंग माय मदर डूइंग दिस, कि वो एक हिसाब से हर चीज़ डालती थी, तो मुझे वो कुछ चीज़ें माइंड में रह जाती हैं, तो फिर मैं वैसे करती हूँ। अब इसका छिलका रिमूव कर लिया है, अब एक चुटकी बजाएंगे और इसको हम बना लेंगे जी। इस तरह इसका कॉइन साइज़ में मैंने इसको कट कर लिया है। दूसरी तरफ मसाला जो है उसकी बुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है, लाइक एज यू गाइस कैन सी, बुनाई करके आपका जो मसाला होता है ना वो कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगना चाहिए, जो कि अभी दिख रहा है। इसमें डालेंगे तुरई, इसको अच्छे से इसके अंदर भुनेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। फिर अगेन मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं कुक होने के लिए छोड़ दूंगी।
तो जी मज़ेदार तुरई की सब्ज़ी हो गई है रेडी। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये पक चुकी है। पानी जो डाला था उसने इसको अच्छे से पका दिया है। अब आप चाहें तो इस स्टेज पे आप इसको मैश कर सकते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल वो मैश की भी मिक्स की भी पसंद है। वी लाइक इट दिस वे, लाइक इन कॉइन साइज़। ये अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। इट्स ऑल अप टू यू। पाकिस्तान वाली जो तुरई होती है वो मैश की भी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन ये मुझे इस तरह खानी पसंद है। तो ये हो गई है जी हमारी सब्ज़ी रेडी। अब इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, सॉरी, और बस फिर इसको कवर कर देंगे। थोड़ा सा ये दम में रहेगी और मज़ेदार सी सब्ज़ी हो गई है तैयार। अच्छा, मैं तो आज जा रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर लंच करने के लिए। हमारा शॉपिंग का सीन है, तो ये सब्ज़ी हस्बैंड खाएंगे और शायद अगर रात में मुझे भूख लगी तो मैं भी ट्राई करूँगी। अभी तो ये रेडी है। तो खैर जी, मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो ये मैंने नेल्स लगाए हैं आज और दे लुक सो ब्यूटीफुल। और जो मैं अबाया पहन रही हूँ उसमें जो अंडरशर्ट है, जो वो मेरा मेकअप है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके साथ ये परफेक्टली जा रहे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ आते हैं कि कैसे आप लगाती हैं, कैसे करती हैं, तो किसी दिन डिटेल में बताऊँगी। हमेशा मैं इतनी जल्दी में मैं नेल्स लगाती हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं इसको शूट कर लूँ। और मेरे पास ट्राईपॉड, काफ़ी टाइम से मेरा ट्राईपॉड ख़राब है, तो कुछ भी मैं अलग से शूट नहीं कर पाती। आई ऑलवेज हैव टू यूज़ माई अदर हैंड टू होल्ड माई कैमरा, तो इसलिए वह रह जाता है। अच्छा, दिस इज़ माई मेकअप। मैंने ब्राउन में किया है, न्यूड में किया है सारा, और मैंने ब्लू आईलाइनर लगाया है क्योंकि मुझे लास्ट टाइम ब्लू आईलाइनर लगाकर बहुत अच्छा लगा था, तो आज मैंने दोबारा लगाया है। एंड आई एम ऑल सेट टू गो आउट। और अभी मेरी फ्रेंड मुझे ले आई है और हम लोग आ गए हैं अल अरेमी बुलेवर्ड मॉल में, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे पास्ता खाया था एंड शी इज़ अ पास्ता लवर टू। तो मैंने कहा आज दोनों मिलकर दोबारा से उसी पास्ता को इंजॉय करते हैं। सो जी, दिस इज़ द रेस्टोरेंट। लास्ट टाइम मैंने इसका रिव्यू शेयर किया था तो बहुत से लोगों को पसंद आया था, और पिक्चर शेयर की थी मैंने अपने दोस्त के साथ, उसको भी था कि मुझे भी ये ट्राई करना है। और पास्ता उसकी और मेरी, हम दोनों की फेवरेट डिश है, तो वो खाने के लिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। और आज आउटडोर सिटिंग वॉज इम्पॉसिबल क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, और लास्ट वन वीक से तो ह्यूमिडिटी लेवल जो है इस 1000%, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि आई कॉन्ट टेल यू गाइज। खैर जी, हमारा फूड आ चुका है, अब हम इंजॉय करेंगे ये मज़ेदार सा पास्ता। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का होता है। इफ़ यू आर पास्ता लवर, अल्फ्रेडो लवर, तो यू मस्ट ट्राई दिस। आई एम श्योर यू गाइज विल लव इट।
तो जी अब मैं जा रही हूँ अपनी ईद की शॉपिंग के लिए। ईद के लिए मुझे चाहिए नया अबाया, और उसके लिए यहाँ पास में ही एक अबाया मार्केट है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है अबाया की। तो मैंने कहा यहीं पर चलते हैं और यहाँ से देखते हैं, जो पसंद आएगा वो आपको ऑर्डर पे बना कर देना पड़ता है, रेडीमेड यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तो मैंने कहा यहाँ से जाकर आज ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अभी 2 वीक्स हैं ईद आने में, तो जब तक ईद आएगी तो ये अबाया रेडी हो जाएगा। और ऑब्वियसली अबाया की शॉपिंग के लिए आपके साथ कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको ऑनेस्ट एडवाइस दे या बताए। मेरे हस्बैंड हर चीज़ को अच्छा बोल देते हैं, तो वो फिर चीज़ में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैं आई हूँ अल खोद सेंटर में। ये अल खोद में लोकेटेड है और यहाँ पर ये बहुत बड़ी लेफ्ट एंड राइट पर अबाया की मार्केट है और काफ़ी ह्यूज है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है। लाइक इतनी वैरायटी है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लें और क्या ना लें। खैर मैं अपना माइंड बनाकर आई हूँ, मुझे ब्लैक तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ना ही ब्लैक के ऊपर ब्लैक काम चाहिए। मुझे बिल्कुल कोई डिफरेंट सा कलर ट्राई करना है, क्योंकि ब्लैक में आई हैव सो मैनी अबायास कि अब मुझे ब्लैक की तमन्ना बिल्कुल नहीं है। मेरा दिल है मैं कोई डिफरेंट सा कलर ट्राई करूँ। और काफ़ी ज़्यादा शॉप्स पर हम लोग गए थे लेकिन शूट मैंने नहीं किया। ये एक लास्ट स्टोर था जो कि मुझे बहुत पसंद आया और यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। सो जो स्टोर्स हमने काफ़ी विजिट किए लेकिन वहाँ पर जो था वो कलर चेंज नहीं कर रहे थे। देवर लाइक के जो चीज़ है वो एज इट इज़ उसी में ही बनेगी। बहुत सौ के पास कपड़े की वैरायटी नहीं थी या वो चेंज करने के मूड में नहीं थे। खैर यहाँ पर जो सेल्स पर्सन है ही वो लाइक कि अगर आप कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। मुझे यहाँ पर जो डिज़ाइन पसंद आया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल बहुत डिफरेंट वैरायटी थी, हर स्टोर पे सिमिलर थी लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ पीसेस बहुत डिफरेंट लगे। तो जी मैंने चूज़ किया है ये वाला जिसको मैं ग्रीन या ब्लू में बनवाऊँगी, और ये एप्लिक का काम है, स्टोन वर्क है, थोड़ा सा बीड वर्क भी है इसमें। ये फ्रंट पर है खाली, मैं इसको इसकी बैक पे भी करवा रही हूँ। और ये थोड़ा सा अबाया का जो स्टिच है वो भी फ्लोई होगा और थोड़ा सा डिज़ाइन टोटली चेंज होगा, जो कि यूजुअली मैं पहनती हूँ उससे थोड़ा हटकर होगा। अभी मसला ये आ रहा है कि ये ईद से पहले नहीं मिल सकता क्योंकि दे आर ओवरली बुकड। तो पसंद तो मुझे यही आ गया है, और जो चीज़ पसंद आ जाती है फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं वो ही करवाऊँ। हालांकि वो ईद से पहले नहीं दे रहा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ईद के बाद पहन लूँगी। ईद पर वैसे भी मैं पाकिस्तानी कपड़े ही पहनने वाली हूँ, या जो मेरे पास एक नया अबाया पड़ा है वो मैं पहन लूँगी। तो ये मैं इससे बनवाने वाली हूँ ऑर्डर पर। अब मसला ये है कि जो कलर्स मुझे चाहिए वो नहीं है इसके पास, तो अभी ये डिसाइड हुआ है कि कपड़ा मैं लाऊंगी, स्टिच और काम वो मुझे करके देगा, लेकिन ईद के बाद। अभी किसी भी दिन मैं आकर इसको कपड़ा दे जाऊंगी, डिज़ाइन समझा जाऊंगी और वो मुझे ईद के बाद बनाकर दे देगा, क्योंकि मुझे पता है ईद पर मैं इतना पहनने वाली भी नहीं हूँ अबाया, तो उसको इतना मुझे तंग करने का भी मूड नहीं हो रहा था। क्योंकि चीज़ मेरे मतलब की बन जाएगी, थोड़ी सुकून से बन जाएगी तो फिर अच्छा है। तो खैर जब भी मैं कपड़ा लाऊँगी और इसको दे दूँगी और वो मुझे बनाकर दे देगा। ये जो अबाया का जो शॉपिंग था वो हाफ तो हो गई, अब हाफ उस दिन होगी जिस दिन कपड़ा ला कर मैं इसको दे दूँगी। अभी जी घर जाएंगे, घर चलकर टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत थक गई हूँ, इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँगी। आपसे मिलूँगी कल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।